दोस्तों एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रकों से हो रही वसूली का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में देंगे। कहां की ये घटना है और क्या हुआ इन पुलिस वालों के साथ जब ये वीडियो वायरल हुआ, तो उससे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद में तमाम जानकारी आपको दूंगा। ये हम लोग मसौढ़ी थाने के क्षेत्र में है, ये देखिए आपकी सेवा में पटना पुलिस हमेशा हाजिर। अंडरलोड गाड़ियों से 50-50, 100-100 रुपया लिया जा रहा है। ये हाईवे है, ये दिख रहा है ना, ये हाईवे, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाती है उन सभी गाड़ियों से पैसा लिया जाता है। ये पुलिस की गाड़ी है, उस पे लिखा हुआ है जय माँ काली थाना, आपकी सेवा में पटना पुलिस हमेशा हाजिर। और ये पटना पुलिस का गाड़ी का नंबर है BR01PB1886, ये गाड़ी का नंबर है। और ये वसूली भाई है, वसूली करते हैं, प्राइवेट आदमी है, ये देखिए। और इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए। और हम लोग बोले कि पैसा किधर है, ये देखिए। ये गाड़ी में जो है ट्रक वाले से 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 रुपया लिया गया है। और जितना अंडरलोड गाड़ी है जितना उनसे पैसा लिया गया है 50-50 रुपया, और ओवरलोड गाड़ी से 200-200 रुपया लेकर उसको अंडरलोड बनाया गया। ये है ASI अरविंद कुमार, ये है ASI और इनके टीम में, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोग शेयर करें। ये देखिए ये बंदूक लेके हैं यहाँ पे, अगर किसी लड़की का, रजनी छोड़ो, हाथ नहीं पकड़ना है, यहाँ पे अगर किसी लड़की का बलात्कार होगा तो इन लोगों का बंदूक नहीं चलेगा। ये देखिए, अरे गलती नहीं किया है तो काहे पैर पकड़ रहे हैं, ये देखिए ये भाग रहे हैं, ये देखिए पीछे नहीं जाना है, नहीं जाना है, ये देखिए ये पुलिस वाले भाग रहे हैं, ये देखिए। ये पटना पुलिस का मसौढ़ी थाना है, SP उपेंद्र नाथ वर्मा जी, ये देखिए ये खेल चल रहा है, पूरा बिहार बिक गया नीतीश कुमार जी, ये देखिए पैसा, ये देखिए पैसा, बिहार के सभी लोग देखे, ये देखिए पैसा, ये देखिए पैसा, नहीं नहीं हम लोग नहीं रखेंगे, अरे नहीं रखेंगे हम लोग कुछ, नहीं हम लोग नहीं रखेंगे। 3-4 दिन से हम लोग लगातार जो है ये भ्रष्ट पुलिस वालों को पकड़ रहे हैं, 3-4 दिन से लगातार। एक तो कभी 14 चक्का नहीं लोड होगा, कभी 16 चक्का लोड नहीं होगा। नीतीश कुमार जी क्या नाटक बना के रखे हो, आपका खनन पदाधिकारी बिक चुका है, आपका DTO बिक चुका है, और रात में पुलिस जो सड़कों पे निकलते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए वो सभी के सभी लोग बिक चुके हैं। हमारी जान खतरे में है, सभी के सभी हमारी जान खतरे में, सारे लोग गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। दोस्तों राज्य है बिहार जहां पर ये वसूली का धंधा शरेआम चल रहा है, जहां पर अभी अभी श्री नीतीश कुमार जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। लेकिन अगर वसूली की बात करें तो वो पहले की तरह ही बदस्तूर जारी है। ये जो एरिया है ये मसूरी पुलिस स्टेशन का एरिया है, और कुछ जागरूक लोगों ने इस वसूली का भंडाफोड़ किया है। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक की वसूली गाड़ियों से हो रही है। अंडरलोड गाड़ी हो तो 20-50 रुपए, और अगर ओवरलोड गाड़ी है तो उससे 100-200 रुपए लेकर उनको जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये 4 लोग थे जो वसूली कर रहे थे वहां पर, ASI अरविंद कुमार और उनके साथ 2 गार्ड हैं जिनके पास हथियार भी देखे जा सकते हैं, और एक प्राइवेट व्यक्ति है। कुल मिलाकर 4 लोग थे, जो गाड़ी इनके पास थी उसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किसी शांतु कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। और दाद देनी होगी इन लोगों की जिन्होंने ये पर्दाफाश किया है। जो पुलिस वाले हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे इनके सामने, और सबसे बड़ी बात डैशबोर्ड के अंदर जो पैसे दिख रहे हैं वो इनकी वसूली का सीधा सीधा सबूत है। जिन व्यक्तियों ने इनका भंडाफोड़ किया वो उसी समय फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, इसीलिए ये लोग कुछ बोल भी नहीं पाए। ASI उसके बाद स्पॉट से भाग गए, और जो गार्ड थे 2 वो इनके पांव पड़ते हुए भी देखे गए। उनका ये भी कहना था कि अगर आप चाहो तो ये वसूली के पैसे आप लोग ले जाओ, लेकिन इन लोगों का मकसद तो इन वसूली करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों का भंडाफोड़ करना था। जैसे कि जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि कुछ दिनों से वो इसी काम पर लगे हैं, वसूली करने वाले पुलिस वालों के पीछे वो पड़े हुए हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट टीवी की डायरेक्ट इन लोगों से बात नहीं हो सकी है जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने इसके बाद SSP उपेंद्र कुमार शर्मा और SP जितेंद्र कुमार से बात की। उन्होंने उसके बाद हमें रेफर किया कि आप DSP मसूरी से बात करें, वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो तमाम पुलिस वाले इसके अंदर आप देख रहे हैं, 3 पुलिस वाले जो है
उनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ धारा 384 और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया जब हमारी टीम ने पूछा कि क्या आप लोगों ने इन पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया है या नहीं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हजारों ऐसे वसूली के कारनामे हर समय देश में चलते हैं, उनमें से चंद ऐसे वाक्य होते हैं जो कैमरा में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसमें से भी इक्का दुक्का केसेस के अंदर लोगों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सस्पेंशन के कुछ दिनों बाद भी ये लोग वापस नौकरी पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर वसूली का धंधा शुरू कर देते हैं, जिसका कारण यही रहता है कि ये लोग अपने दम पर ये काम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर पीछे इनके बहुत बड़ा कोई हाथ रहता है, जिसकी वजह से दोबारा ये नौकरी पर आ जाते हैं और बेखौफ होकर इस तरीके से वसूली करते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 9831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।